दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, 5 मिनट देखिएगा इस वीडियो के लिए, दीजिएगा टाइम रोक के, अपना कहीं पे बिजी है तो उसको रोक के आप इस पर्टिकुलर वीडियो को दीजिएगा और आप एक बहुत बड़ी सेविंग करने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी सेविंग इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद होने वाली है। अगर आप ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो एक एक करके मैं पूरा डिस्कशन करूंगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपको देखिएगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा और किस तरीके से ये आपकी देखिएगा सबसे बड़ी सेविंग करती है ब्रोकरेज की, तो आप जानेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है एम स्टॉक, अगर आप देखेंगे बाय मिराय एसेट। और आप देख सकते हैं कि यहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी आप देखिएगा डेली ट्रेड करते हैं तो जब आपको प्रॉफिट होता है फिर लॉस होता है, बट आपको एक अमाउंट तो देना ही देना है, वो होती है ब्रोकरेज। और आपको पता है कि जब आप एक दिन में ट्रेड करते हो तो आप उसे बहुत छोटा अमाउंट मानते हो, लेकिन जब आप एक महीने ट्रेड करते हो तो आपको वो थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट लगता है, और जब आप एक साल लगातार ट्रेड करते हो तो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो आप बेसिकली देखिएगा, मैं छोटे छोटे स्टैंडर्ड रख के आपको मैं बताऊंगा कि आप मंथली देखिएगा और ईयरली कितना पैसा देखिएगा ब्रोकरेज में दे रहे हैं और आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं बात करूंगा सबसे पहले कि देखिएगा जो ब्रोकरेज टाइप होते हैं वो एक होता है फ्लैट चार्जेस, एक होता है परसेंटेज। परसेंटेज देखिएगा ट्रेडिशनल ब्रोकर लेते हैं और फ्लैट चार्जेस मैक्सिमम देखिएगा डिस्काउंट ब्रोकर आपको लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक स्टैंडर्ड बना लीजिए तो स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि 20 रुपीज पर ट्रेड आप देखते होंगे कि मैक्सिमम देखिएगा जो स्टैंडर्ड ब्रोकर है वो 20 रुपीज पर ऑर्डर देखिएगा आपका ब्रोकरेज लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप 10 ट्रेड भी करते हैं, अगर आप 10 ट्रेड भी करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर मंथली अगर आप 10 ट्रेड भी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना देखिएगा यहां पे अमाउंट देते हैं, 24, यानी कि 2400 का अमाउंट यहां पे आप ईयरली सेव कर सकते हैं, यानी कि 200 रुपए पर मंथ, और 2400 रुपए देखिएगा आप बेसिकली पूरे साल में देते हैं। फिर आप देखिएगा ऑप्शन ट्रेडर तो बहुत सारे हैं और हम जानते भी हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है ओवर ट्रेडिंग कि लाइक आप देखिएगा एक प्रॉफिट लेते हैं, फिर अच्छा सिनेरियो बन रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप और ट्रेड लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ते चले जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है, बट आपको ब्रोकरेज तो देनी ही देनी है। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं, तो स्टैंडर्ड प्राइस मान लीजिए लेते हैं हम लोग 20। अगर आप 20 भी लेते हैं और आप मंथली देखिएगा, मंथली अगर आप देखते हैं मान लीजिए मंथली आप 20 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं तो आप साल में कितना 7200, अगर आप देखेंगे 7200 यहां पे सेव कर सकते हैं। तो कैसे सेव कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ये एक छोटा सा फिगर, ये छोटा सा फिगर कि आप देखिएगा एक सीजनल ट्रेडर है जिसमें आप देखते हैं कि आप डिलीवरी में भी ट्रेड कभी कभार करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का भी मैंने बहुत ही देखिएगा लो ऑर्डर लिया है, मैक्सिमम ट्रेडिंग इससे ज्यादा हो जाती है अगर आप इक्विटी और इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडर हैं और लगातार इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको पता है हर दिन आपका दिन नहीं होता है और जिस दिन आपको लॉस होता है उस दिन आपको बड़े देखिएगा वहां पे ओवर ट्रेड देखने को मिलते हैं। तो वहां पे देखिएगा अगर आप मान लीजिए 7200 भी दे रहे हैं कि इस मिनिमम चार्जेस से, यानी कि एक साल का, तो आप इसको टोटली देखिएगा सेव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है एम स्टॉक, यानी कि जो ब्रोकरेज ये दे रहे हैं आप, तो इससे पूरी तरीके से सेव कर सकते हैं। और मान लीजिए आप एक अच्छे ट्रेडर हैं और आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मंथली 50 ट्रेड करते हैं तो आप इतना बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब आप रेगुलर ट्रेडर होते हो, लगातार ट्रेडिंग करते हो, तो ये एक बड़ा अमाउंट है, तो इसको सेव क्यों ना किया जाए, ताकि आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग करो तो आपके मन में ये ना रहे कि मेरा ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा होगा तो मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो कम हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इसको सेव कर सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले देखिएगा आपको क्या करना है, आपको प्राइसिंग पे जाना है। जैसे आप प्राइसिंग पे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्राइसिंग पे, तो आपको ये पूरा देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा इनका प्लेटफॉर्म और यहाँ पे लिखा है लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज एंड नो कमीशन, और सारे सेगमेंट में, चाहे वो देखिएगा इंट्राडे हो, चाहे वो डिलीवरी हो, चाहे वो एफएनओ हो, म्यूचुअल फंड हो, आईपीओ हो, करेंसी हो, यानी कि सारे सेगमेंट से देखिएगा
आपको कोई भी देखेगा, ब्रोकरेज भी नहीं देनी है लाइफ टाइम, और कोई कमीशन भी नहीं देना है, केवल देखेगा इनके जो यहाँ पे मॉडल्स हैं, इनके जो यहाँ पे पर्टिकुलर देखेगा डीमेट अकाउंट ओपनिंग के देखेगा, जो पर्टिकुलर प्लान्स हैं उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज देखेगा जीरो देखने को मिल रही है, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आपको जीरो देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो आपको लगेंगे लगेंगे, जीएसटी जो लगती है वो लगेगी लगेगी, लेकिन आपको ब्रोकरेज और कमीशन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब इनका सबसे अच्छा जो प्लान है देखिएगा, आपको मैं आपको सामने बता देता हूं, ये है 999 रुपीज अकाउंट, यानी कि 999 रुपीज अकाउंट में अगर आप एक बार पे करते हो और डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अक्रॉस ऑल द सेगमेंट, अगर आप इंट्राडे की बात करोगे, डिलीवरी की बात करोगे, एफएनओ की बात करोगे, कहीं पे भी आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है, लाइफ टाइम मैं कह रहा हूं। अभी मैंने जो कैलकुलेशन करा था वो ईयरली कैलकुलेशन था, आप लाइफ टाइम आपको कोई भी देखेगा चार्जेस नहीं देना है। बस इस पर्टिकुलर ये प्लान को लेते समय, डीमेट अकाउंट ओपनिंग के प्लान को लेते समय आपको जीएसटी प्लस एड होगी, यानी कि 999 रुपीज और प्लस जीएसटी ऐड होगी, वो आपको एक बार देनी है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम किसी भी सेगमेंट में कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन नहीं देना है। तो आपका वैल्यू टाइम बचा कि नहीं बचा ये बताइए, आपने कुछ मुनाफा सेविंग्स करी कि नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में अगर आप खुद का कैलकुलेशन और अपना स्टेटमेंट निकाल के देखिए, यानी कि जिस जगह पे अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको निकाल के देखिए, तो आप देखिए एक साल में आपने कितनी ब्रोकरेज दी है, तब आप जान पाएंगे कि कितनी बड़ी सेविंग हो सकती है आपकी, यानी कि जो आप इतना बड़ा अमाउंट एक ब्रोकरेज के रूप में, कमीशन के रूप में दे रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से बच जाएगा। अब आप कहते हो कि देखिएगा सर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लान है। तो इसमें देखिएगा 149 देखिएगा रुपीज आपको प्लस जीएसटी देना है अकाउंट ओपनिंग के समय, और इसमें आपको देखिएगा इंट्राडे में 20 रुपए पर ट्रेड देखने को मिलेंगे, इंट्राडे 20 रुपए पर ट्रेड इंट्राडे में देखने को मिलेगा, और आपका डिलीवरी ट्रेड और म्यूचुअल फंड आईपीओ और सारी चीजें आपकी जीरो हो जाएंगी, यानी कि आपको डिलीवरी ट्रेड पे, म्यूचुअल फंड पे, आईपीओ पे कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन नहीं देना है, केवल 149 प्लस जीएसटी देने के बाद। और इसके अलावा देखिएगा आपको एक और चार्जेस आता है, वो होता है मेंटेनेंस चार्ज, डीमेट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, तो वो ऐसे तो आप देखेंगे तो 120 रुपीज पर क्वार्टर आपका लिया जाता है स्टॉक की तरफ से, लेकिन इसको भी आप देखिएगा आप क्या कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्री कर सकते हो, अगर आप जो भी पर्टिकुलर प्लान ले रहे हो उसमें 999 रुपीज प्लस जीएसटी और एड ऑप्शनल करवा लेते हो, तो आपको लाइफ टाइम कोई भी डीमेट अकाउंट में मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। इसके अलावा इनके और चार्जेस अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको कोई भी देखेगा फ्री देखने को मिल रहा है, नो फी देने पड़ी है, और बाकी जो भी देखेगा डीपी चार्जेस होते हैं वो भी लोवेस्ट हैं, प्लस चार्जेस हैं वो भी लोवेस्ट हैं। आप पूरा देखिएगा यहाँ पे ब्रीफ आपको दिया गया है जिससे आप अपनी बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी अगर डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और विजिट करिए और इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल करिए। थैंक यू सो मच।